महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और शहरी भाग के लिए, सभी के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। आपको सबको पता है कि युवाओं के लिए 4,000 रुपया जो बेरोजगार युवा है, महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं कि 3,000 रुपया जो जैसे हमारी महालक्ष्मी योजना है उसके नाम पे ही हम ये योजना कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको पता है कि महिलाओं को बस और एसटी में जो है वो फ्री में ट्रैवलिंग, लड़कियों के लिए फ्री में ट्रैवलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो सभी के बारे में सोचा गया है। हेल्थ केयर का सबसे बड़ा बात है, हेल्थ केयर का जो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने की बात की है वो भी हमने किए, क्योंकि आज के जमाने में जो बीमारी होती है उसका खर्चा होता है, तो जो है वो संभालने की जिम्मेदारी। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या क्या नए आपकी जब गवर्नमेंट आएगी? नहीं, बिल्कुल हम महिलाओं की सेफ्टी के लिए जैसे कहा कि पुलिस, महिला पुलिसों की भर्ती ज्यादा करेंगे, स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन में महिलाएं होंगी और स्पेसिफिकली ट्रॉमा केयर सेंटर हम लोग करेंगे।